हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ बिलवा और इस वीडियो में जो तीसरा पार्ट है अब इसमें करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 और वीडियो है तीसरी एमसीक्यू। ठीक है, चलिए और इसमें क्या करने वाले हैं, अब फिर से वही अपने हैं। ठीक है ना, लास्ट में खुंगत्सी तक पहुंचे थे कि खुंगत्सी एक विद्वान है जिसने अपने मतलब फिलोसोफर है, दर्शन शास्त्री है। ठीक है, ये अपने अपने आइडियाज देते रहे इन्होंने कंट्री के अंदर, अपने अपने कंट्री के अंदर जो पुरानी जो धर्म चल रहे थे उसमें जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उनको हटाकर एक नया तरीके बताए। ठीक है, तो भारत में भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, ठीक है, और महावीर स्वामी हो गए, तो ऐसे ही और देशों में भी हैं जिन्होंने अपने अपने विचारों से वहां के लोगों को प्रभावित करने का तरीका ढूंढा है। ठीक है, तो भाई खुंगत्सी के बारे में हो चुका था, अब खुंगत्सी के बाद चलते हैं जरथुस्त। अब ये मत बोलना नाम ऐसा है। ठीक है, जरथुस्त यार एक ऐसा व्यक्ति है ना, देखो सिंपल सी बात है, जरथुस्त एक फिलोसोफर है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, नाम खराब है ना, नाम खराब है हमारी तरफ से है। क्योंकि देखो यार, जरथुस्त पता कहां से कौन से कंट्री का है, जरथुस्त का संबंध कौन से कंट्री से है, ईरान से है। जरथुस्त का संबंध कौन से देश से है, ईरान से है। जरथुस्त का संबंध ईरान से है, ध्यान रखिएगा, भूलने वाला नहीं है, ये पूछा जाता है। और जरथुस्त का नाम जरथुस्त ऐसा क्यों है, भाई वहां की लैंग्वेज के हिसाब से है ना, आपको कौन सा वहां की लैंग्वेज आती है, आपके लिए तो सारे शब्द वहां पर एक जैसे। तो जरथुस्त का संबंध ईरान से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्लेटो, ठीक है ना, प्लेटो तो आप जानते होंगे, प्लेटो का संबंध किससे है, प्लेटो का संबंध है यूनान से, ठीक है, इंग्लिश वाला ग्रीस, ठीक है, नाम याद रखिएगा ग्रीस, ही इज अ ग्रीक स्कॉलर एंड ही बिलोंग्स टू ग्रीस, ठीक है ना, ग्रीस की लैंग्वेज होती है ग्रीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रीस से बिलोंग करता है प्लेटो। और भी लोग हैं, प्लेटो है, सुकरात है, और चौथा है अरस्तु। सर ये भी कहां से हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी कहीं से हैं, ये सभी सभी एक ही जगह से हैं, जिनका नाम है यूनान, ठीक है, यूनान से बिलोंग करते हैं। अरस्तु से एक सवाल और पूछा जाता है, ठीक है ना, सिकंदर के गुरु का नाम क्या है, सिकंदर के गुरु है अरस्तु, जानते हो गए सिकंदर, बड़ा फेमस व्यक्ति, ठीक है, जिनने लगभग विश्व के कितने सारे देशों पर लगभग जिन्हें जीता, और ये वही व्यक्ति है अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु, अब भाई जिसके गुरु अरस्तु है तो व्यक्ति महान क्यों ना हो, ठीक है ना, गुरु महान तो जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। हाँ चलिए, अब कहना चाहते हैं कि भारत में उत्तर वैदिक काल के बाद तो पता क्या होता है कि कुल मिलाकर कुछ और ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना, कुछ अल्टरनेटिव्स आते हैं कि भाई आप जरूरी नहीं है कि आप वैदिक रिलीजन को ही माने, आप इसके अलावा कुछ और नए रिलीजन आते हैं, पता है कितने रिलीजन आते हैं, तो ये पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक के बाद कितने संप्रदायों का उदय हुआ, 74 संप्रदाय, सॉरी 64 है ना, हिंदी आई ऐसी, चलो 64, तो संप्रदाय 64 संप्रदाय का उदय होता है, कब होता है 64 संप्रदाय का उदय, 64 संप्रदाय का जो उदय होता है वो कब होता है, 64 संप्रदाय का उदय उत्तर वैदिक काल के बाद, जिसके अंदर से फेमस सारे नहीं हुए, फेमस हमारे जो जिनको हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी दोनों को पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ भी होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर चलते हैं ऋग वैदिक काल में, तो फेमस देवता, प्रमुख देवता कौन से हैं, ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवताओं के नाम बताइए, तो पहले देवता है हमारे इंद्रदेव, दूसरे अग्नि, और तीसरे हैं सोम, ठीक है ना, इंद्र, अग्नि और सोम, भाई ये तीन प्रमुख देवता हैं, ध्यान रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल में तो और भी आ जाते हैं, उत्तर वैदिक काल में इसमें यहाँ पर आपके सूर्य देव जुड़ जाते हैं, रुद्र देव जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, सेवंथ क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कहना चाहते हैं कि भाई दीपवंश कहां के बारे में बताता है, दीपवंश किस जगह के बारे में बताता है, किसका इतिहास है, दीपवंश पता है दीपों का इतिहास है, एक दूसरे देश में लिखा गया है, जैन धर्म का ही ग्रंथ है, ठीक है, सॉरी बौद्ध ग्रंथ का ही ग्रंथ है दीपवंश, जो कहां लिखा गया है पता है, जो लिखा ये बताता है किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 है, कहना चाहते हैं कि ये बताइए कि महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी का जो संबंध है वो किससे है ना। महात्मा महाप्रजापति गौतमी, ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध के बारे में जानते होंगे, ये है कौन, बुद्ध की उपमाता है, ये संकलन करवा चुके हैं, ठीक है, इसको करवा चुके हैं, छोड़ो, चलो तो हाँ ये देख लेते हैं कि ये बताइए कि बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला का नाम क्या है, बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला का नाम क्या है, तो वही है महाप्रजापति गौतमी। ये कौन है, पहली महिला भिक्षु, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पता क्या पूछ रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि भाई ये बताइए कि देखो यार किसके कहने पर महाप्रजा महिलाओं को बौद्ध संघ में आने की अनुमति दी गई, किसके कहने पर, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में पहले सिर्फ पुरुषों को ही आने की इजाजत दी थी कि महिलाएं इसका भाग नहीं है, तो बाद में पता महिलाओं को भी शामिल किया गया, और किसके कहने पर शामिल किया गया, तो महिलाओं को जो किसके कहने पर शामिल किया गया था वो आनंद के कहने पर किया गया था, और आनंद कौन है, आनंद है बुद्ध, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य, ठीक है ना, अनुयायी। चलिए महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जो लड़के हैं, महात्मा बुद्ध के लड़के, पक्का नाम क्या है, महेंद्र, महात्मा बुद्ध के लड़के का नाम है राहुल, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध के लड़के का नाम क्या है, राहुल, महात्मा बुद्ध के लड़के का नाम क्या है, राहुल, ध्यान रखिएगा, ऐसा लगता नहीं है ना कि ये नाम हो सकता है, ये आज का वर्तमान जैसे नाम हो गया है, किस राहुल को मत बता देना, यह तुम्हारा नाम कोई नया नाम नहीं है, बहुत पहले है, थोड़ा जाओ, ठीक है। अगला देखना, महात्मा बुद्ध अशोक ने अपने दो बच्चों को श्रीलंका भेजा था, ठीक है ना, अशोक के दो बच्चे थे, जो पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम था महेंद्र, और जो उनकी बेटी थी पुत्री उनका नाम था संघमित्रा। सर ये कहाँ गए थे, ये गए थे श्रीलंका, कहाँ श्रीलंका गए थे, क्यों गए थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कहना चाहते हैं कि अमरावती, ठीक है, अमरावती कि जो अमरावती का स्तूप कहां पर स्थित है, ठीक है, अमरावती का स्तूप कहां पर स्थित है, अमरावती का स्तूप है आंध्र प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, सांची का स्तूप कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, ठीक है ना, एकदम पूरा मतलब वर्ल्ड मैप बनाना, वर्ल्ड मैप में मध्य प्रदेश एकदम पेट में लगा देना, सांची पता लग जाएगा। चलिए कैलाशनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र, कैलाशनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में है। चलिए अच्छा पता है महात्मा जो बुद्ध के बारे में मतलब कुल मिलाकर अशोक ने उनसे रिलेटेड जितना भी काम किया है, दान वान दिया हुआ है, वो सब एक ग्रंथ में लिखा गया है, और उस ग्रंथ मतलब अशोक ने जितना भी दान दिया है स्तूप के बनाने में उस उन सभी को उस ग्रंथ का नाम पता क्या है, उस ग्रंथ का नाम है अशोक अवतार, और इसके बारे में बताते भी है क्या, अशोक अशोक मकान के अंदर लिखा हुआ है कि बुद्ध ने जिन धर्मों को बुद्ध ने कुछ धर्मों को पता क्या दिया, बुद्ध ने सॉरी अशोक ने बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए स्तूपों को बनवाने के लिए जो भी दान में दिया, पैसा दिया, मजदूर दिए, श्रम किया, वो सभी के सभी पता है एक पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, पुस्तक का नाम है अशोकावतान, ठीक है। चलिए सुल्तान जहां बेगम,
सुल्तान जहां बेगम कौन है भाई? सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम, ये दो नाम है ध्यान रखिएगा। और ये दो महिलाएं हैं जिन्होंने क्या किया था, जो भोपाल की बेगम रही है लंबे समय तक रही है, और इन्होंने क्या किया, सांची के स्तूप को जो इतिहास को बचाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कुटा द्वारशाला। कुटा गार शाला, सॉरी कुटा गार शाला क्या होता है? कुटा गार शाला जंगलों के अंदर बनाई जाने वाली नुकीली झोपड़ियां हुआ करती थी, जहां पर जो विद्वान जो लोग होते हैं ना, बौद्ध धर्म के हों चाहे वो जैन धर्म के हों, वो तर्क और वितर्क किया करते थे। तर्क और वितर्क किया करते थे, मतलब तर्क और वितर्क का मतलब क्या है यहाँ पर, तर्क और वितर्क मतलब वाद विवाद कर रहे हैं कि हाँ भाई कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत, और जो सही है तो वो क्यों सही है, और जो गलत है वो क्यों गलत है, और जो गलत को सही कैसे किया जा सकता है। ये सब कहाँ डिसाइड होता था, ये सब चीजें कुटागारशाला जो कि जंगलों के अंदर बनाई गई नुकीली झोपड़ियां हुआ करती थी। चलिए होपफुली, अच्छा 19 मिनट नहीं है, 18 तो यार ये क्वेश्चन अपने, ठीक है ना। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिक्कत मुझे लग रहा था कहां से आ रही थी।